नमस्कार दोस्तों मैं हूं राज किशोर न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने दो दिनों की ताबड़तोड़ सात बैठकें की हैं और इन सात बैठकों के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश संगठन में लगभग पचास से ज्यादा चेहरे बदलने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने क्या हिदायतें दी और किस तरीके से लोगों की क्लास ली है लेकिन इन सबके पीछे वजह क्या है ये पहले आपको बताना जरूरी है देखिए बीएल संतोष पिछली बार उत्तर प्रदेश कब गए थे लखनऊ 2022 के चुनावों से पहले और उस समय भी संगठन और सरकार के बीच में समन्वय को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था संगठन पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सरकार की योजनाओं को पूरी तरीके से जनता तक लेकर जाया जाए साथ ही सरकार से संगठन के लोगों को पूरी तरीके से तवज्जो देने की बात कही गई थी नतीजे आ गए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर ली लेकिन संगठन और सरकार के बीच में ये दूरियां कम होती नहीं दिख रही हैं जो कुछ हुआ उस पर अतीत में चर्चा न करते हुए जो मौजूदा स्थिति है उस पर बात करते हैं बी संतोष दो और तीन तारीख को लखनऊ में थे उन्होंने सबसे पहले मीटिंग ली और उस मीटिंग में प्रदेश पदाधिकारी थे बावन से तिरपन पदाधिकारी थे इसके बाद दूसरी मीटिंग ली जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की जिसमें लगभग दो लोग रहे होंगे इसके बाद सात जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनकी दी और इसके बाद चौथी मीटिंग थी सबसे इंपॉर्टेंट सीएम आवास पर कोर कमेटी की मीटिंग इस कोर कमेटी की मीटिंग मीटिंग में बीएल संतोष के साथ साथ में सीएम योगी और जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और जो संगठन मंत्री प्रदेश के हैं धर्मपाल ये पांच लोग थे इसके बाद उन्होंने ली मीटिंग अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों की अवध क्षेत्र के जितने मतलब जनप्रतिनिधि हैं उसमें आपके लखनऊ के सारे विधायक आ गए अब सांसद तो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री हैं वो नहीं थे इसमें लेकिन जितने और जीते हुए पदाधिकारी थे अवध क्षेत्र के उनको लिया गया फिर अगले दिन पार्टी कार्यालय पर जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं सबकी मीटिंग ली फिर अंतिम दिन ली उन्होंने मीडिया टीम की बैठक जो आखिरी बैठक थी तो बैठक ताबड़तोड़ बी संतोष के जाने का मतलब नए साल की शुरुआत में इसके मायने ये सिर्फ कहा जाएगा कि रूटीन बैठक है संगठन को मजबूत करने के लिए लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं हुआ क्या है कि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं खतौली जो जीती हुई भारतीय जनता पार्टी की सीट थी वो हारनी पड़ी मैनपुरी में पहले मुलायम सिंह यादव जीते थे बहु उनसे भी ज्यादा अंतर से जीत गई हैं और प्रदेश में तमाम जो संगठन और सरकार के बीच में मतभेद की खबरें मतलब सर, आपको याद होगा कि कौन अध्यक्ष बने कौन ना बने इसको लेकर भी काफी खींचतान रही है खैर वो किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में होती है लेकिन जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो संदेश जा रहा है कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है उसको लेकर भी काफी कुछ बातचीत थी अब जरा बात करते हैं कि क्या क्या कहा बी संतोष ने जो उन्होंने कहा उससे आपको यह समझने में आसानी रहेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या है देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई ठीक है लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में सत्ता में आए 2019 में भी सत्ता में आए 22 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आप में एक चेहरा बन चुके थे और योगी आदित्यनाथ के पीछे पीएम मोदी को खुलकर आना पड़ा वरना ऐसा लग रहा था कि काफी कांटे की टक्कर होती जा रही है तो 2022 का चुनाव जीता जा चुका है लेकिन 2024 का जो महासमर है लोकसभा का चुनाव है उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम से कम उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और यूपी में जब बीजेपी बेहतर नहीं कर पाती है तो वो सत्ता में नहीं आ पाती है और जिस तरीके से लगातार कभी तीन सीटें छोड़ के अस्सी में से सतर सीटें लेके आ जाती है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी पैंसठ से पैंसठ सीटें लेकर आ गई थी तो सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में अगर संगठन और सरकार क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच भी नेताओं के संबंधों को लेकर लगातार खबरें आ ही रही है और पुष्टि कोई करे ना करे लेकिन गाहे बगाहे तमाम फैसले ऐसे होते हैं जो सामने सतह पर आ जाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी यही है कि अपनी कमजोरियों को और अपने जो समस्याएं हैं उनको तुरंत दुरुस्त करने में जुट जाती है अब वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता वो अलग बात है लेकिन बीएल संतोष का इस पूरी मीटिंग में जो सबसे ज्यादा जोर था कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बेहतर होना चाहिए और साथ ही संगठन से ज्यादा सरकार के लिए कहा गया कि ये खाली पद भरे जाने चाहिए तमाम बोर्ड और निगम के चेयरमैन के पद हैं वो भरे जाने अभी सात एमएलसी जो नामित होते हैं उनकी उनका भी फैसला होना है और देखिए संगठन तो आप मानकर चलिए कि ये 50 से 60 फीसदी चेहरे जो हैं इस संगठन में अब नए आने जा रहे हैं अगले दो से ढाई हफ्तों में ये पूरी कवायद पूरी हो जाएगी मकर संक्रांति के बाद कभी भी ये घोषणा हो सकती है इंतजार हो रहा है तो ये सब तो परिवर्तन होंगे लेकिन जो बातें उन्होंने कही एक दो वो बड़ी दिलचस्प है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई तमाम नेताओं से उन्होंने कहा जो खासतौर से एमएलए और एमपी थे उनसे कहा गया कि भाई आप लोग क्या सिर्फ इवेंट मैनेजर है जब कोई इवेंट होता है तो उसमें अपनी ताकत लगा देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं सवाल तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से किया गया कि उनकी सुनी नहीं जाती है अधिकारी नहीं सुनते हैं उनको इस बारे में बोलने का ज्यादा मौका ही बीएल संतोष ने दिया उन्होंने कहा कि देखिए आप यहां जनता का, का काम करने के लिए आए और सरकार आपकी है तो सरकार जो कर रही है वो आपके बिहाब पर ही कर रही है आपका काम यह कि जनता से कनेक्ट करना तो कुल मिला जो दो तरफा संवाद की जो प्रणाली रही है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में उसका छह होता साफ साफ दिखाई पड़ रहा तमाम लोगों से उन्होंने सुना नीचे के लोगों से लेकिन जो जीते हुए जनप्रतिनिधि थे उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनने से ज्यादा उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि आप चुनाव जीत कर आए हैं तो अब जनता से कनेक्ट साधना आपकी जिम्मेदारी है इसी तरीके से एक बैठक में उन्होंने तमाम लोगों से यह पूछ लिया कि आखिर आप ट्वीट करते हैं आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं क्या आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भी सक्रिय रहते हैं अभी फीफा का वर्ल्ड कप हुआ क्या आप उस पर आपने ट्वीट किया तो कुल मिला वो ये है चाहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो चाहता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ संख्या में ज्यादा ना हो उनकी उनमें तमाम खूबियां और काफी पढ़े लिखे और जनता के बीच से जो तमाम जो विषय होते हैं यूथ को जोड़ते हैं महिलाओं को जोड़ते हैं और जो थोड़ा आधुनिक विचार वालों को भी जोड़ते हैं उनके साथ भी वो जुड़े हुए दिखाई दे और उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी कि सिर्फ अच्छा कार्यकर्ता होना काफी नहीं है आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी आपको काबिल होना पड़ेगा मतलब निष्ठा पर्याप्त नहीं है निष्ठा के साथ साथ में आपको सक्रिय होना ही पड़ेगा आपको काबिल भी होना पड़ेगा आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी और दो चार जिन लोगों से मेरी बात हुई हर मीटिंग में जो लोग थे उसमें एक बात में सब लोग बिल्कुल सहमत थे कि बीएल संतोष सुन तो रहे थे सुनने के बाद जब संगठन और सरकार के बारे में जब बातें आती थी जो थोड़ा जटिल क्वेश्चन होते थे उस पर सीधे वो बौद्धिक बल्कि एक पदाधिकारी ने उससे कहा कि वो बौद्धिक पिलाकर बल्कि वो डांटने वाली स्थिति आ जाती थी कि आप क्या कर रहे हैं मतलब संवाद ना होकर वो एक तरीके से ताकीद की जा रही थी मतलब आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है आप ये काम कर कर पूरी तरीके से दीजिए तो ये जो भाव मतलब जो तमाम पुराने पदाधिकारी थे उनका थोड़ा सा दर्द भी था उनका कहना था कि इस तरीके से पहले मीटिंग नहीं होती मीटिंग में कम से कम ये होता था कि उनकी सारी बातें सुनी जाती थी और सुनने के बाद जिसको चिंतन और मंथन कहा जाता है वो होता था और उसके बाद निश्चित तौर पर तमाम जो कमियां होती थी नेतृत्व की तरफ से उसको बताया जाता था और कई बार झाड़ भी पिलाई जाती थी लेकिन इस बार झाड़ का भाव ज्यादा था यह अलग बात है बीएल संतोष ने जब जिला पंचायत अध्यक्षों और जब पदाधिकारियों से उनसे बात की तो उनकी तमाम बातें सुनी और ये सब सुनने के बाद अब वो पूरी डिटेल्स लेकर दिल्ली की तरफ लौट गए हैं राज की बात यह है कि यहां से जो वो डिटेल लेके गए हैं उसमें मेन बात सरकार और संगठन के बीच में समन्वय उन्होंने तो यह कहा कि बढ़ाने पर जोर दिया लेकिन अभी समन्वय की तो बात यह है कि कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो पहले उनको यह भाव दिया जाए कि नहीं सरकार उनकी अपनी है और इसके लिए उनको तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि निश्चित तौर पर लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ दोनों की लोकप्रियता जनता के बीच में है इसके आधार पर तमाम चीजें हो जाती हैं लेकिन जब मुकाबला कांटे का होता विपक्ष तरीके सक्री है। है। यादो, यादो जिस तरीके से सक्रिय है कुछ भी कहिए अखिलेश यादव डिंपल यादव जिस तरीके से फील्ड पर निकले और खतौली का मैं कह रहा हूं उपचुनाव विधानसभा का जो नतीजा आया है जाटलैंड से उसने थोड़ा दिक्कत पैदा की है और निश्चित तौर पे कांग्रेस की भी जो सक्रियता आई है विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया तो बीएल संतोष की यह जो बैठक उत्तर प्रदेश में हुई इसके नतीजे जल्दी सामने आएंगे देखते हैं क्या होता है फिर होगी आप शिमला का नमस्कार